हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आपके सखी रेनू बाला पे। और मैं हूँ रेनू बाला, और आज मैं आप सभी को अपने ब्यूटी पार्लर में एक दुल्हन जुड़ा जो मेरी स्टूडेंट बना रही है उसी का मेथड बताने जा रही हूँ। एक और जुड़ा लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले बन को हम ले लेंगे। ये रेडीमेड बन हमारे 20-30 रुपये में मिल जाएगा मार्केट में। इसे पोनी टेल में इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। छोर से पलटाते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, और इस जगह पे आप बैक पिन भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ रबर का इस्तेमाल किया है पोनी टेल बनाने के लिए। और इसे पलट कर उसे जर में सटा देना है, और जुड़ा पिन भी लगा के इसे सजा सकते हैं। और आगे के लिए आप इसे रोल करके भी कर सकते हैं, मिसा चोटी भी बांध सकते हैं। आप चाहे जैसा भी कर सकते हैं, आगे का लुक अच्छा ही लगता है। और ये जुड़ा बहुत ही सुंदर और बहुत ही कम समय में बन जाती है दुल्हन जुड़ा। तो ये एक जुड़ा हमारा कंप्लीट हो गई। अब मेरी स्टूडेंट सब मिलकर इसे सजा रही है मोतियों से, आप चाहे तो फ्लावर वाले जो जुड़ा पिन आते हैं मार्केट में उससे सजा सकते हैं, कुछ से भी सजा सकते हैं। कोई भी जुड़ा पिन बहुत ही खूबसूरत लगती है दिखने में। अब मैं एक आप सभी को ये फ्रंट पफ करते हुए एक हेयर स्टाइल बताने जा रही हूँ। इसमें फ्रंट से हाफ बाल को लेते हुए हम ऊपर की ओर पहले झाड़ेंगे और इसे पफ बनाएंगे हल्का सा पुश करते हुए। इसमें हम जेल का भी इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छा है, स्प्रे भी कर सकते हैं तो कड़क हो जाता है। जब हम क्रम्पिंग करते हैं बालों की तो हमारा बाउंसिंग हो जाता है बाल में, तो इससे हमारा पफ जो बनता है क्राउन एरिया में वो अच्छा बनता है। लेकिन अभी मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, सिंपली पफ बना रही हूँ। और आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो देने का प्रयास करूँगी। आप सभी बने रहिए मेरे वीडियो में, इसी तरह प्यार दीजिए मेरी वीडियो को और सीखिए एक से एक हेयर स्टाइल, एक से एक ब्यूटी पार्लर के टिप्स। ब्लॉगिंग की भी वीडियो लाऊंगी, लेकिन अभी निकलना नहीं हो पा रहा है कहीं, इस कारण से घर पर ही मैं जो क्लासेस ले रही हूँ उसी की वीडियो डालती हूँ। तो आप सभी सपोर्ट ज़रूर से करें फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर से कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। मेरा एक और चैनल है रेनवाला क्रिएटिविटी, तो रेनवाला क्रिएटिविटी पे 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दे फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें व्यूज़ तो अच्छे आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं है। मैं चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। देखिए कितनी सुंदर सी हेयर स्टाइल बनकर रेडी हो गई है, और पीछे से खजूरी चोटी और भी खूबसूरत लग रही है। खजूरी चोटी भी बहुत ही आसान होती है। पहले हम चोटी को 20 से 2 भागों में बांट लेते हैं और पीछे से गुत्ते जल जाते हैं। पीछे से एक तरफ से देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं गुत्ते हुए, पीछे से थोड़ा थोड़ा बाल हम लेते जाएंगे और इस साइड ले लेंगे, फिर नीचे से पीछे तरफ से दूसरे साइड डाल देंगे। इसी तरह से हमारा खजूरी चोटी बनता है और बहुत ही सुंदर लगता है। लास्ट में हम सबको थोड़ा बाउंसिंग लुक देने के लिए हाथों उंगलियों की सहायता से फैला देंगे। तो ये सुंदर सी प्यारी सी चोटी तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब शेयर वीडियो को करें ज़रूर से, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।